स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स के पहले चैप्टर सेट्स को, और आज हम एक्सरसाइज 1.1 से स्टार्ट दे रहे हैं, और सीरीज ऑफ वीडियोस के जरिए हम इस पूरे चैप्टर को कवर अप करेंगे। और जब कराची बोर्ड के बुक से हम इस पूरे चैप्टर को कवर अप कर चुके होंगे, देन वी विल शिफ्ट टुवर्ड द पंजाब बोर्ड बुक। हम पंजाब बोर्ड की बुक को भी पूरा कवर अप करेंगे, ताकि जो हमारे आगा खान बोर्ड, फेडरल बोर्ड और पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनको भी फायदा हासिल हो सके, और सिंध बोर्ड के स्टूडेंट्स अपने कॉन्सेप्ट को मजीद स्ट्रॉन्ग करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 से, क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या दिया गया है, यूज बोथ टेबुलर एंड सेट बिल्डर फॉर्म टू स्पेसिफाई द फॉलोइंग सेट्स। टेबुलर और सेट बिल्डर फॉर्म के ऊपर हम इससे पहले अपनी पहली वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि सेट्स किसे कहते हैं, सेट्स की क्या क्या टाइप्स हैं, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या है, और जो आपके टेबुलर फॉर्म है वो किसे कहते हैं। इसकी पूरी वीडियो मौजूद है, आपको लिंक ऊपर मैं शेयर कर दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप उस वीडियो को लास्ट में देखिएगा, देन आप इस वीडियो की तरफ आइएगा। तो क्वेश्चन हमें ये दिया गया है कि आपने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है इस सेट को जो आपको गिवन है, और टेबुलर फॉर्म में लिखना है इस सेट को जो कि आपको गिवन है। ये जो सेट आपको गिवन है, ये दोनों सेट्स आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में गिवन है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को हमने चेंज करना है इनटू टेबुलर फॉर्म और इनटू सेट बिल्डर फॉर्म। अब आपको थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दूं कि टेबुलर फॉर्म किसे कहते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म किसे कहते हैं। तो टेबुलर फॉर्म का मतलब होता है कि आप जिस सेट को डिस्क्राइब कर रहे हो उसके अंदर मौजूद मेंबर्स को एनलिस्ट करके आप कर्ली ब्रैकेट में क्लोज करते हो, तो ये कहलाती है टेबुलर फॉर्म। और सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं, जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हमें सेट दिया गया है उसे हम कर्ली ब्रैकेट में क्लोज तो करते हैं, लेकिन एक खास ग्रुप से हम उसके रिलेशन को शो करते हुए उसके मेंबर्स को शो कर रहे होते हैं। अभी हम इस क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट हमें जो पार्ट दिया है, दैट इज द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 6। अब इंटीजर्स किसे कहते हैं, इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं जो 0 से अबव हो और 0 से लेस हो। देखिए 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 लाइक दिस, 0 प्लस 1 प्लस 2 सो ऑन, और 0 से लेस देन माइनस 1 माइनस 2 एंड सो ऑन। ये सारे क्या कहलाते हैं, आपके इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक है जी, ये मैं आपको ओवरव्यू दे रहा था, ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूं अपनी पहली वीडियो में, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा, अब आपसे पूछा गया है कि आप इसको टेबुलर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दिखाएं, और डिस्क्राइब आपको कर दिया उस सेट को, इन्हें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपको गिवन है और आपने टेबुलर और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, मैं पहले इसको टेबुलर फॉर्म में लिखूंगा, मैं इसको पहले टेबुलर फॉर्म में लिख रहा हूं। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर, आप इसको चाहे तो कोई नाम दे सकते हैं सेट को, लाइक मैं इसको नाम देता हूं जेड का, आप चाहे तो पी नाम दें, आप चाहे तो ए नाम दें। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 2, यानी ग्रेटर देन 2 से मुराद है 3 एंड लेस देन 6 4.5। ये एक ऐसा इंटीजर है जो 2 से ग्रेटर है और 6 से लेसर है, यानी कि 6 से छोटा और 2 से बड़े नंबर्स में शामिल है, तो ये एक सेट आपके पास बन चुका है। ये हमने इस डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को किस फॉर्म में कन्वर्ट किया है, टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट किया है। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे इनटू द सेट बिल्डर फॉर्म। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप चाहें तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की हेल्प लें, आप चाहे तो जो आपने टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट किया है उसकी हेल्प से भी आप इसको बना सकते हैं। मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहा हूं, तो हम कैसे लिखेंगे, x such that x belongs to x, यानी x से मुराद है members of the set, members of the sets are arranged such that, इस सिंबल का मतलब होता है such that, इस तरह से x such that x belongs to, इन belong करते हैं किससे जनाब, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स का हम सैंपल लगा रहे हैं यहां पर, x such that x belongs to the positive integers and or integer किससे बड़ा है जनाब, 2 से बड़ा है, तो मैं यहां लिख सकता हूं x is greater than 2, लेकिन हमें आगे less than को भी शो करना है। तो मैं जब आपसे ये कह रहा हूं कि x 2 से greater than है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि 2 जो है वो x से less than है, कॉमन सेंस वाली बात है, अगर x जो है वो 2 से बड़ा है तो 2 x से छोटा होगा। तो मैं इसको इसलिए लिख रहा हूं ताकि ये जो x है, जो मेंबर ऑफ द सेट है, ये कॉमन आ जाए, हमें दोनों ग्रेटर देन के और लेस देन के सिंबल को लिखने में हमें आसानी हो। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 2, मैंने ग्रेटर देन 2 लिख दिया है, लेकिन इसको रिवर्स करके लिखा है, मतलब वही एक ही है, इन पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 6 और लेस देन 6 है।
तो ये मैंने आपको डिफाइन किया था ना, इसको हम किस तरह से टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं और किस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अगले पार्ट की तरफ, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। ये भी सेम इंटीजर्स हैं और पॉजिटिव हैं। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 20 दैट आर डिविजिबल बाय 5। आपको क्या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दे दिया है कि आप एक ऐसा सेट बनाइए जो पॉजिटिव इंटीजर हो और पॉजिटिव इंटीजर हो और लेस देन 20 भी हो, और थर्ड शर्त क्या लगाइए कि डिविजिबल बाय 5 भी हो। तो मैं इसको टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखूंगा जनाब? टेबुलर फॉर्म में मैं इसको लिख रहा हूं, तो इंटीजर्स हो, लेस देन 20 हो, डिविजिबल बाय 5 हो, तो हमारे पास पहला नंबर तो 5 खुद आ जाता है, फिर 10 आ जाता है और फिर 15। 20 हम इसलिए ऐड नहीं कर रहे क्योंकि यहां पर इन्होंने क्या लिखा है, लेस देन 20। जो सेट आप बना रहे हैं उसके अंदर 20 से छोटे नंबर होने चाहिए और पॉजिटिव इंटीजर हो और डिविजिबल बाय 5 हो। तो ये तीन हमारे पास एलिमेंट्स ऐसे हैं। इसको हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, तो सेट बिल्डर फॉर्म में देखें हम इसको किस तरह लिखते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में हम ऐसे लिखेंगे, x such that x belongs to positive integers and x is less than 20 and divisible by 5। This is how we will write in the tabular form। और हम बात कर रहे हैं आप पार्ट सी की तरफ, तो पार्ट सी में क्या दिया है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 12। नेचुरल नंबर्स हम सब जानते हैं कि 1 और 1 से ग्रेटर देन जितने भी नंबर्स हैं वो सब नेचुरल नंबर्स में आते हैं, और आपको एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सेट दिया हुआ है सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 4 एंड 12। इन बिटवीन का मतलब है 4 से ग्रेटर देन के नंबर और 12 से लेसर देन के नंबर्स इसमें शामिल होंगे। अगर इसको टेबुलर फॉर्म में लिखें तो हम ऐसे लिखेंगे 4 के बाद हमारे पास है 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, 12 हम शामिल नहीं करेंगे। बिटवीन 4 एंड 12 हमारे पास ये सारे नेचुरल नंबर्स मौजूद हैं। अब जब हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो हम कैसे लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट लगाया और x such that x elements such that elements of the set belong to what, belong to natural numbers, natural numbers का sign आपको पता है n, belong to natural numbers and x is here greater than 4, ठीक है, x greater than 4 है, लेकिन हमें क्योंकि between को show करना है, दो numbers के दरमियान अपने इस group को show करना है, तो हम क्या करेंगे, reverse में लिखेंगे। यानी अगर मैं कहता हूँ कि x is greater than 4 तो मैं ये भी लिख सकता हूँ कि 4 is less than x, ठीक है। तो इस rule के तहत मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, 4 is less than x and x is less than 12, यानी कि हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। और अगर मैं इसको रिवर्स करूं, यानी कि 4 x से छोटा है तो x 4 से बड़ा है, तो अगर मैं इसको रिवर्स करूं तो 4 से बड़े नंबर और 12 से छोटे नंबर जो हमारे पास इस ग्रुप के अंदर आएंगे, तो इस तरह हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। अब अगर पार्ट डी की हम बात करें, सेट ऑफ फर्स्ट 6 पॉजिटिव प्राइम नंबर्स। अगर हम फर्स्ट 6 पॉजिटिव प्राइम नंबर्स की बात करें तो फर्स्ट 6 पॉजिटिव प्राइम नंबर्स हमारे पास आते हैं 2, 3, 4, 5, 6। ये 6 प्राइम नंबर्स वो हैं जो फर्स्ट है हमारे पास, इन स्टार्टिंग के 6 प्राइम नंबर्स हमने यहाँ लिस्ट कर दिए, इसकी टेबुलर फॉर्म हो गई। अब हम इसको इसको किस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, x such that x, here x means the member of the sets are such that x belongs to prime number and यहाँ पर भी सेम उस केस की तरह हमने बिटवीन को शो करना है तो हम रिवर्स लिखेंगे, यानी कि x जो है यहाँ पर greater than equal to 2 है, तो मैं यहाँ लिखूंगा 2 is less than and equal to x, okay, and x is less than and equal to 13, यानी कि belong करते हैं prime numbers से, ठीक है, और वो prime numbers कैसे हैं, जो 2 के बराबर हो या 2 से बड़े हो और 13 के बराबर हो या 13 से छोटे हो। तो दिस इज हाउ हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है एक्सरसाइज 1.1 का, और क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम बढ़ेंगे अगली वीडियो में जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। तो इस वीडियो को देखें और अपनी लर्निंग को कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।